जब कोई ये मुतालिम जब कोई बात फैला देता है, ओल फोल फतवे दे देता है, गलत सलत बातें फैला देता है, अब मीडिया पर फैला हुआ है, फेसबुक पर है, व्हाट्सअप पर है, और मतलब ट्विटर है, ये वगैरह वगैरह जो सोशल साइट है, इसमें जब वो चीज़ें फैल जाती हैं उसके बाद कोई आलिम कोई तालिबे इल्म उसका जवाब दे देता है, उस पर कोई नकद कर देता है, तो ये बिलबिलाना शुरू हो जाते हैं, और इन्होंने अपने हवारी मवारी जो बना रखे हैं बिलबिलाने लगते हैं और कहते हैं उलमा होकर के इस तरह से तो मीडिया के सामने जुर्जुवा नहीं करना चाहिए, मीडिया पर जलील नहीं करना चाहिए, आपको नसीहत करनी है तो आप तन्हाई में नसीहत कीजिए। मेरे भाइयों सही है, तन्हाई में नसीहत करना चाहिए, नसीहत तो तन्हाई में करनी चाहिए, लेकिन ये गंदगी जो गलत फतवा उम्मत के दरमियान उसने फैला दिया है, क्या उसको तन्हाई में फ़ोन करने से फतवा हल होगा, मसला हल होगा, वो फतवा बदलेगा? जहरे की फतवा नहीं बदलेगा। इसलिए वो गंदगी जितना दूर तक फैली है उतनी दूर तक उस गंदगी की इस्लाह करनी जरूरी है, और ये भी आगाह करना जरूरी है कि ये गंदगी फैलाने वाला, ये गलत फतवा देने वाला, गलत मसला बयान करने वाला फला है, इसलिए उससे चाहिए कि लोग भी चौकन्ना रहें और उसकी भी आंख खुले कि मैंने बगैर तहकीक के मनमानी कुछ भी काम कर दिया है, ये मेरे लिए जायज नहीं है, मैंने जुर्म किया है, अपने आप पर जुल्म पहले किया है, उम्मत पर जुल्म बाद में किया है, इसलिए उसे चाहिए कि वो चौकन्ना रहे। इसलिए मेरे भाइयों याद रखें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, उलमा को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि किस चीज़ में नसीहत तन्हाई में करनी है और कहाँ लोगों के सामने बयान करना है, ये बहुत अच्छी तरह से अहले इल्म को मालूम है। और मैं कहता हूँ कोई गलती कर रहा हो अगर कहीं कि ज़ाती चीज़ को फैलाता हो तो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई शक नहीं है, ज़ाती चीज़ों को ज़ाती तक ही रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ जुगुमरही आवाम में फैल चुकी है मेरे भाइयों उसकी इसलाह आवाम में करनी होगी, तन्हाई में तो फोन करने से मसला हल नहीं होगा। इसलिए यहां भी इनकारे मुनकर के बारे में खलतमलत न करो मेरे भाइयों, अल्लाह वास्ते बातों को समझो।